की बात हुई थी इसकी। हाँ बताओ। ओवर एन ई स्क्वायर वेरी गुड। एम ओवर एन ई स्क्वायर, टाउ। तो याद रखो इसको, दोबारा बोलो। एम ओवर एम एन वन एन स्क्वायर, स्क्वायर ई स्क्वायर टाउ एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी हो गया। उसके बाद करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ फटाफट। आई आई अपॉन ए जी इज इक्वल टू आई अपॉन ए और वैसे डॉट की फॉर्म में बताया आई इज इक्वल टू जे डॉट। ए रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होती है? अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। यानी सिग्मा कंडक्टिविटी है और रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था। एक बोलना होता है जो ई ई ई फिर से रिवाइज नहीं करके आए। ई ई टो बाय माइनस लगाते थे कंडक्ट उसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा एक और चीज होती है बच्चे, मोबिलिटी। मुझे नहीं पता सतेंद्र सर ने शायद कराई है या नहीं अभी तक। वो मोबिलिटी, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी चार्ज पार्टिकल की कितना मोबाइल है वो, उसके बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा बोलो क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? अभी अभी बोला है ई टो बाय एम डिवाइडेड बाय भी ई है, तो ई से ई कट गया तो सिंपल क्या रह गया? क्लियर है क्या? यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो तो ये बन जाएगा। क्लियर है सबको? आज हम थोड़े से आज हम रेजिस्ट आज सिर्फ क्वेश्चन ही हो पाएंगे हमारे, करंट वाले क्वेश्चन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन, और टाइम बचा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। लेकिन तो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है ना वो तुम ही सब करोगे सोल्व। दो तीन लास्ट वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने होमवर्क में देने, उससे पहले वाले तुम करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वो सारे के सारे मिलते जुलते हैं किससे? जो हमने पिछली बार क्या किया हुआ है ऐसा ही, रेजिस्टेंस की तरह हमने कुछ किसी और चीज को भी कैलकुलेट किया था पिछले चैप्टर में। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। क्या किया था? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो आओ पहला क्वेश्चन तो ये देख के और सोच के करना। मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। जिसको वो कुछ भी नहीं आता उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन वो मेरे से इंटरेक्ट करेगा तभी कुछ सीख पाओगे तुम। सबसे पहले मेरे से इंटरेक्ट करना ईमानदारी से, ठीक है? करो स्टार्ट, क्वेश्चन को देखो फिर करना। और खाली ऐसे मत बैठे रहना, लो मैं अपनी शक्ल हटा दूं एक तो मेरे को ही देखते रहोगे फिर। क्वेश्चन को देखो अच्छे से फिर समझो कि सर इसमें कोई प्रिंसिपल यूज हो रहा है जो हमने पिछली बार डिराइव किया था, कोई ब्रिज कुछ बन रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ रेजिस्टेंस, या सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ध्यान से देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है 2:1 पे, रेशियो में कट रहा है। एक सेकंड बच्चे, म्यूट हो गया, एक सेकंड। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे। सर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है 6:3 और n/5 है ना, तो वो रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा सब देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी? लेफ्ट वाली रेशियो इज इक्वल टू राइट वाली रेशियो। तो लेफ्ट में रेशियो बताना क्या आ रही है? 10/5 और नीचे क्या आ रही है उधर? 6/3 टू रेशो वन क्या आ रही है? 2:1। तो जब लेफ्ट वाली रेशो और लेफ्ट वाली रेशो और राइट वाली रेशो आपस में सेम आ रही है तो क्या हो जाता है? कौन सा रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाता है सर? बीच वाला 20 ओम वाला। तो सिर्फ ऊपर वाले दो रह जाएंगे और नीचे वाले 20 ओम। बताओ क्या आएगा सीधा सर? दोनों सीरीज में होंगे वाले। अब ये नहीं बताओगे सीरीज पैरेलल, अब सीधा आंसर बताओगे। सर आ गया, बताओ बताओ। नीचे 16/3 ओम
क्या आ रहा है? 16/3 ओम। बाकी सबका भी यही आ रहा है क्या? निकालो फटाफट फटाफट। 16/3 सबका यही आ रहा है 16/3। भाई 57-60 के करीब बच्चे हैं, इंडेक्स करके बताओ यही आया। क्लियर है? बाकी सब सबकी आवाज आनी चाहिए मेरे को। यस सर। यस सर। चलो तो चेक करते सर, ये 16 हो गया, नीचे क्या हो गया 8, तो इनका ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एड प्लस 328/24 316। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। 16/3 चलें आगे। यस सर। यस इस ऐसा क्वेश्चन भी कैपेसिटेंस में कराया था याद हो तो। सर एक सेकंड पीछे वाली स्लाइड निकालना, ये लो। हो गया सर। ऐसा क्वेश्चन भी कैपेसिटेंस में कराया था याद हो तो, सबको करवाया था क्या ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटेंस में, बताओ मुझे हाँ या ना। जब ऐसे ही कैपेसिटर लगी हुई थी, तार ऐसे कनेक्ट हो जाता था, मैंने एक इसकी तरीका भी बताया था। क्या तरीका बताया था ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का? ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या तरीका बताया था भाई? जो जो दो पॉइंट सेम वायर से कनेक्ट हो और बीच में उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। वेरी गुड। उनका पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। पोटेंशियल सेम रहता है सर। जब तक बीच में क्या ना आ जाए, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस ना आ जाए, खाली तार तार हो, तो जिस पॉइंट दो पॉइंट से वो तार कनेक्ट है, उन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। सेम। तो करो इसको सॉल्व। मैंने हिंट दे देता हूं, अगर यहां पर पोटेंशियल अब वी ए है तो यहां पर भी कितना होगा? वी ए। इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं इसका। फटाफट करो, हैंड रेस करना, तभी मैं वीडियो को बंद करूंगा, मतलब खोलूंगा अपनी। जो दो रेजिस्टेंस सेम पॉइंट से कनेक्ट हैं, वो दोनों किसमें होंगे आपस में? सर पैरेलल में। पैरेलल में दो पॉइंट सेम तो मतलब पोटेंशियल सेम। सर आर बाय थ्री। आर बाय थ्री, एक का आया आंसर आर बाय थ्री। किसका आया आर बाय थ्री? सर मेरा। टीना का। और सर मेरा भी आर बाय थ्री आ रहा। निशु का आर बाय थ्री। और नैन्सी का भी आर बाय थ्री आया क्या? हाँ नैन्सी, आपने हैंड रेस किया। यस सर। ठीक है, आर बाय थ्री ही आया। ठीक है बच्चे, ठीक है। बाकी सब लावण्या, हैरी, पीयूष सर कर रहा हूँ, अरमान सर भी कर रही हूँ, और भी सब है, अरमान है, आर्यन है, अभिषेक है, आदर्श है, आचल है, आप लोगों का बताओ भाई। इंद्रेश सर कर रहा हूँ सर अभी। जल्दी 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 करो। चलो अब देखो, अगर ये पॉइंट वी ए है तो ये पॉइंट भी वी है, अगर ये पॉइंट वी बी हो जाएगा मान लो, तो ये वाला भी कौन सा हो जाएगा बच्चे? वी बी। तो याद रखना, करो जिस पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालना है ए और बी के बीच में, तो उनको तो एंड पे रखा करो। कोशिश क्या करो, ए यहाँ रख दिया, बी दूसरे एंड पे,
अब बताओ कौन कौन सा किस किस के बीच में कनेक्ट है, इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, इसको बोल दो थर्ड रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में कनेक्टेड है? ए एंड बी। दूसरा? ए एंड बी। ए एंड बी। तीसरा? ए एंड बी। ए एंड बी। आपस में कैसे हो गए? तो पहला, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? आर बाय थ्री। सिंपल सा, क्लियर था क्या? बस यही जानना था इसमें। चले आगे, जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, जिसको डाउट है वो हैंड रेस करो फटाफट। तो ये आंसर आ गया इसका, देखो आर बाय थ्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले एक क्वेश्चन और करो, ये वाला दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, वाले sir. में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? सर ये सीरीज में होगा, पहले ए ए से चलेंगे। मतलब सिर्फ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आंसर नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पिछले वाले और इस वाले में? हाँ हाँ बोलो बोलो लबन्या, क्या कह रहे हो? पहले वाली में सिर्फ सीधा वायर कनेक्ट थी, अब वायर के साथ बीच में क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। तो मतलब अगर यहाँ पर वी ए है तो क्या यहाँ पर वी ए हो पाएगा? अब नो सर। नो सर, बीच में क्या आ गया सर? रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पर अगर वी बी है तो यहाँ वी बी हो पाएगा क्या? नो सर। बोल दो वी सी है मान लो, और यहाँ पर क्या मान लो वी डी मान लो। क्लियर, अपने हिसाब से कुछ भी मान लो। डन? यस सर। अभी ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कैपेसिटेंस में इसका हिंट दिया था, ऐसे क्वेश्चंस में क्या बनता है बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में क्या बनता है सर? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। तो पहला ही रेजिस्टेंस टेढ़ा लगाना ए से, याद रखना ए और बी हमेशा आमने सामने और ए अपोजिट एंड पे होना चाहिए। तो पहले ए और बी लिख दो अपोजिट एंड में, फिर जोड़ते जाओ जो जुड़ता है, बताना मेरे को आंसर पे। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक एक एंड पे क्या लिखोगे, इस एंड पे क्या लिखोगे और उस एंड पे क्या लिखोगे? बी। और फिर सी और डी अपने हिसाब से कर देना जैसा जैसा कनेक्ट हो रहा है, करके देखो एक बार और फिर पूछना मेरे से। हैंड रेस करोगे सब जैसे अभी तक करते आए हो, जल्दी जल्दी करोगे फिर हम कैमरा ऑन करेंगे, जल्दी जल्दी वरना मेरे को ही देखते रहोगे। जिसको थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए वो रेज योर हैंड। जहां पर किसी को दिक्कत आ रही है सर यहां पर ऐसा कैसे होगा, वो हैंड रेस करके पूछ सकता है, वरना सॉल्व करो। देखो या तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो अभी तक हो चुका है, जिसका नहीं हो रहा उसको प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हैंड रेस कर देना चाहिए। हाँ बच्चे कुछ हो रहे हैं जी, निशु सॉरी सर नहीं आ रहा। नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम पूछो कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। वेरी गुड। हाँ लवन्या नहीं हो रहा? यस सर। हाँ तो अब मेरे से क्वेश्चन पूछो कि क्या हो रहा है, देखो अब पता लग रहा है ना मुझे कि नहीं हो रहा। तो पॉइंट का पता लग रहा है, कैसा लग रहा है? क्या पता लग रहा है, क्या नहीं पता लग रहा है बताओ मुझे। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के पॉइंट का नहीं पता लग रहा है। हाँ तो तुमने सबसे पहले क्या स्टेप किया लवन्या बताओ मुझे, सबसे पहले क्या पॉइंट लिखा? पहले ए और बी लिख दिए ना, मतलब ए और बी लिखा तुमने यहाँ पर, ए और बी। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या किया बताओ? तो जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ना वायर के साथ, पहले जरा नाम कर दिया करो, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब क्या किया बताओ? तो पहले R2 वाला जोड़ दिया। R2 को किसके साथ जोड़ना है पहले तो ये बताओ, A और मतलब B के साथ। A और सर A और B के नहीं, मतलब ऊपर की तरफ आएगा ना A,
ध्यान से देखो, आर टू किसके साथ, किस कौन से दो पॉइंट्स के बीच में है बच्चे? देखो आर टू का दूसरा पहला कोना देखो, फिर आर टू का दूसरा कोना देखो, देखो दोनों दो पॉइंट कोनों पे कौन से दो पॉइंट्स हैं? सर बीए और बीसी। बीए और बीसी, तो ए तो ये रहा, अब क्या मैं इसको सीधा बी पर कनेक्ट कर सकता हूँ? कौन से करना पड़ेगा? सी के साथ। सी के साथ ना, तो सी कोई ना कोई पॉइंट देना पड़ेगा, तो इसको सी बोल दो। यस सर। तो यहाँ पर सी दे दो, अब क्या आर टू लग गया क्या, बताओ? यस सर। अब थोड़ा सा और ट्राई करो, अब थोड़ा सा और ट्राई करो, चलो हैंड लोवर कर लो, जिसको ये डाउट था सिर्फ अभी तक का। आंचल आपको कोई और डाउट है तो पूछो, चलो अब थोड़ा सा इसको और ट्राई करो। सर आ गया, ठीक है, बाकी सब बताओ, करो थोड़ा सा और पॉइंट्स को देखो। आंसर आया पर पता नहीं गलत आया, ठीक है। क्या आंसर आया दोनों का बताओ, टीना तुम्हारा क्या आया? टू अपॉन आर, टू अपॉन आर, हाँ भाई, हुआ किसी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा? आर टू तो लगा दिया आपने, अब तुमने क्या किया भाई सबने आर टू के बाद? सर आर फाइव। आर फाइव, चलो कोई भी लगा दो आर फाइव के लिए। अब क्या चाहिए बच्चे पॉइंट? सर वी ए और बी। ध्यान दे, आर फाइव के बीच दो पॉइंट कौन से हैं? सर ए और बी। नहीं नहीं नहीं, आर फाइव के बीच सी और बी। सर बी डी और B और D है, तो D क्या तुम्हें दिख रहा है कहीं? नो सर। तो C तो यहाँ लगा दिया, D यहाँ लगा दो, तो V B और D लगा दो, अब जो रह गए लगा दो, तो R5 भी लगा दिया। R1 किसके बीच में बताओ? A और D। A एरा, D एरा, A और D। और कौन सा रह गया सर? आर फोर आएगा सी और बी के बीच में, तो लगा दो सर। और आर थ्री आएगा सी और बी के बीच में। क्लियर है क्या? अब देखो क्या ये बन रहा है क्या? यस सर। ये वाली रेशो 1:1 आ रही है, ये भी 1:1 आ रही है, तो कौन सा रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा? कौन से दो पॉइंट्स के बीच में है जो? कौन सा रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा? जोर से बोलो। बीच वाला सर। बीच वाले का कौन से दो पॉइंट्स के बीच में? सीओडी। ऊपर ये वाले दो आपस में इसमें आ जाएंगे, पैरेलल में। ये दो इसमें आ रहे हैं। बोलो ऊपर वाले दो किसमें आ रहे हैं? सीरीज में सर। सीरीज में आ रहे हैं, सीरीज में। इसको बना के देखो ध्यान से, ये बी है, तो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ऐसे ये एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, तो ये वाले और ये वाले सीरीज में, ये वाला भी सीरीज में। आर और आर को सीरीज में करूंगा तो क्या आ जाएगा? टू आर। ऐसे नीचे भी क्या आ जाएगा? टू आर। और ये टू आर आपस में क्या हो गए? टू आर का आंसर क्या आ जाएगा? हाफ हो जाता है ना बिल्कुल, अगर सेम हो तो। यस सर। क्लियर है, तो इस टोटल का आंसर इसका क्या आ जाएगा? आर। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है? देखा है मैंने कैसे बनाया, सब देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बनता है सर? वीट स्टोन भी, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसकी पहचान क्या है सर? ए और बी को तो एंड पे लिखो सबसे पहले, और यहाँ पर जो पॉइंट आता है ना वही ज्यादातर कहाँ आता है सर? बीच। अब इनको चाहे सी डी ऐसे भी लिख दो, चाहे उल्टा भी लिख दो, यहाँ डी लिख दो, चाहे यहाँ पर क्या लिख दो, सी, तुम्हारे ऊपर है, कैसे मर्जी लिख सकते, ठीक है? यस सर। ए और बी का तो याद रहेगा ही, तो सब कर लेंगे अब इसको। यस सर।
चले आगे। यस सर। यस सर। तो इसका आ रहा है बच्चे आर आंसर। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या निकालना है इसमें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालना, क्या निकालना है? करंट। करंट वो भी पी वाले। तो एक बार के लिए भूल जाओ कुछ पी है, अभी मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ इसका। आर इक्विवेलेंट, ध्यान रखना कोई वायर के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, किसी वायर के बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। दिख रहा है ना सबको? एक तो ऐसे ही वायर कनेक्ट कर रखी है जिसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऊपर वाली वायर के बीच में क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस। ऊपर वाली में है रेजिस्टेंस, नीचे वाली नहीं है। हाँ तो करो अब इसको। पहले तो तुमने सिर्फ करंट नहीं निकालना, तुमने सिर्फ क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। और जरूरी नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज बने या नहीं बने, व्हीटस्टोन ब्रिज तब बन जाता है जब दोनों जगह रेजिस्टेंस आ रहा हो। तो ज्यादातर अभी तो एक जगह आ रहा है एक जगह नहीं आ रहा, तुम अपनी अप्रोच रखो, एक पॉइंट रखो ए और बी एंड पर रखो, बाकी दो पॉइंट्स आ रहे हैं वो जहां पर तुम लगाना चाहो वहां पर लगाने की कोशिश करो, अपने आप बनता जाएगा सर्किट। क्लियर है सबको? करेंगे ट्राई? करो ट्राई, बताना मुझे फिर। और जिसको पिछली बार की तरह जिससे नहीं हो रहा वो सिर्फ हैंड रेस करके ये ना कहे नहीं हो रहा, सर ये चीज बताओ कैसे हो, ये पूछोगे, हैंड रेस जरूर करना। हाँ हरी बोलो। सर बीच वाली वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, फिर लास्ट में दो पैरेलल एक सीरीज में, मतलब दो पैरेलल आएंगे और फिर वो उनका रिजल्ट। कौन सी बीच वाली? बीच वाली सर जो है। अच्छा कौन सी? मैं इसको नाम करता हूँ, एक बार रुको, नेमिंग कर देता हूँ। ये लास्ट में आई थिंक वी आर या थर्ड, ये फोर्थ। कौन सी कह रहे हो? थर्ड। थर्ड नेगलेक्ट हो रही है, क्यों हो रही है नेगलेक्ट? नहीं होगी इसमें, थर्ड वाली नहीं होगी, ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, अभी देख लेंगे बात। तुमने सिर्फ अपने हिसाब से पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे ही पॉइंट्स लिख दिए ना आधा काम हो जाएगा, ए बी सी डी जो भी बन रहे हैं तुम्हारे उस हिसाब से लिखो। किसी का हुआ थोड़ा बहुत हुआ, किसी का थोड़ा बहुत एक स्टेप आगे हुआ हो, हैरी के अलावा और किसी ने किया हो तो हाँ। निशु के अलावा और किसी ने? सर आई नोट प्लस आई नोट ओवर टू इज इक्वल टू वी हो जाएगा। आई नोट तो कहाँ से आ गया? नहीं सर, आई की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आई नोट माना ना। आई तो पूछा ही नहीं ना मैंने, मैंने तो आर इक्विवेलेंट पूछा है। कौन सा नेट पे साइट खोल रखी है निशु तुमने? कौन सी साइट खोल रखी है? आई नोट तो ऐसी, आई नोट तो कुछ है ही नहीं, पक्का दिख रहा है कोई ना कोई साइट खोल रखी है ना फोन पे। कोई भी साइट नहीं खोलेगा भाई, सर स्कूल में करवाया था क्वेश्चन तब बोल रहा हूँ, सर ने करवाया था। चलो कोई बात नहीं, बाकी सब इंद्रेश तुम्हारा हुआ है बच्चे? इंद्रेश तो फिर पहले करो, थोड़ा सा ट्राई मारो। वो एक्सप्लेन तो कर रहा है बच्चा कम से कम। चलो बाकी सब
किसी का नहीं हुआ। टीना, पीयूष, लावण्या, नैन्सी, अरमान, आंचल, अंकित, अंकिता, अंशिका, हरमन, हीना, हिमांशु, शीश, कारण, सर आंसर है मेरा। हाँ बताओ भाई लोकेश। थ्री आर अपॉन फोर। थ्री आर अपॉन फोर। फोर चलो देखते हैं। आओ देखो सिंपल सी बात है, सब बोलेंगे यहाँ पर अगर पोटेंशियल वी ए है तो क्या यहाँ पर वी ए लिखू क्या? यस सर। यस सर। यहाँ पर अगर वी ए है तो यहाँ पर भी वी ए लिखू क्या? इधर लिख दू? हाँ यार बोलो। यस सर। नहीं लिख सकते ना, यही तो गड़बड़ करते हैं। नहीं आएगा थ्री आर ओवर फाइव। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी ए की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा, वी सी लिख दे क्या? यस सर। yes, तो यहाँ पर अगर वी बी है तो क्या यहाँ पर वी बी लिख दू क्या? नो सर। सर बी डी बोलो जाएगा। क्या लिखू? वी बी या वी डी? वी बी आएगा सर। वी बी आएगा क्योंकि अभी क्या बीच में रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस नहीं है तो जो पोटेंशियल यही आएगा वही पोटेंशियल यही आएगा, तो मतलब यहाँ पर भी वीबी और यहाँ पर भी वीबी। क्लियर है? यस सर। मैंने सबसे पहले क्या सीखा? पॉइंट्स करते ही दो एंड पॉइंट ढूंढ लो, यहाँ पर ए और उस साइड क्या लिख दूं? बी। अब अपना काम कर लेते हैं। तो पहला हाँ क्या आंसर आया? टू आर बाय थ्री। चेक करते हैं। तो सर ए और बी पहले जो जो जिस जिसके बीच में है, नाम नाम नामकरण तो कर ही रखा है, एक दो तीन चार, बताओ कौन सा जोड़ना चाहते हो? फटाफट बताओ, रेजिस्टेंस का नंबर बोलो और उनके बीच के दो वन जोड़ना चाहते हो, बोलो कौन सा? ए और बी में। ए और बी में, वो कौन से बीच में है, कौन सा नंबर है रेजिस्टेंस का जो ए और बी के बीच में लगा हुआ है? वन। ए और बी के बीच में तो सीधा ही जोड़ दो वन। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर हो गया। आओ सर आर टू आएगा वी ए और वी सी में। आर टू आ रहा है वी और वी सी में, लेकिन वी सी तो पता ही नहीं सर, तो कोई पॉइंट लिख दो वी सी, तो वी सी लिख दो, नामकरण कर दिया। क्लियर है क्या? यस सर। यस। और सर आर थ्री आ रहा है बी और सी के बीच। बी और सी के बीच में क्या आ रहा है? आर सी लगा दिया। और ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब क्या रह गया सिर्फ? सी और बी के बीच आ रहा है। सी और बी के बीच, सी और बी के बीच में एक और आ रहा है, यानी यहाँ पर एक और आ रहा है आर। क्लियर है क्या? यस सर। ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पहले तो ये भी बी और सी के बीच में है, ऊपर वाला भी बी और सी के बीच में है, हाँ, तो ये दोनों तो पैरेलल, तो इसको तो सही कर दो पहले फटाफट। टू आर आएगा इसका। आर और आर का पैरेलल में करोगे तो क्या आएगा? टू आर। नो सर। नो सर। आर ओवर टू हाफ हो जाएगा। आर तो ये आर है, ये इसको सोल्व करके क्या आ रहा है? आर बाय टू। आर बाय टू। और नीचे क्या है? आर आर। और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो कर दो अब आंसर क्या आना चाहिए आर इक्विवेलेंट का फटाफट। सर थ्री आर ओवर फाइव आया। थ्री आर ओवर फाइव सबका यही आ रहा है क्या? चेक करते हैं। आर प्लस आर बाय टू कितना हो जाएगा? थ्री आर बाय टू। और थ्री आर बाय टू और आर आपस में कैसे हो जाएंगे बच्चों? पैरेलल। पैरेलल में तो वन बाय आर वाला फॉर्मूला लगा दो। वन बाय आर इज इक्वल टू फाइव आर अपॉन टू आर है। करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1 बाय आर और 3 आर बाय 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 बाय 3 आर। 3 आर एलसीएम ले लिया 3 आर, तो यहाँ आर से आर कट गया तो 3 प्लस 2 यानी 5 बाय 3 आर। इसका उल्टा भी तो करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 3 आर बाय 5 बाय 5। तो ये सही है आंसर निशु का। क्लियर है सबको? 3 आर बाय 5। सर पहले मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं क्वेश्चन नहीं लगा था करने। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर।
भाई ये दोनों सीरीज में ये पैरेलल में डन है, सबका क्लियर है। आज इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या आ रहा है? यस थ्री आर अपॉन फाइव। और वो कैसे आया, मेरे सबको एक अप्रोच बता रखी है, उसी अप्रोच से आया सर। क्या अप्रोच है सर? पहले क्या कर दो, नामकरण कर दो रेजिस्टेंस की, 1 2 3 4 लिख दो और उनके बाद उनका पॉइंट्स लगा दो। पॉइंट्स लगाते ही अपने हिसाब से चले जाओ। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, इस एंड पे ए और दूसरे एंड पे इधर ए लिखना है और उधर लिखना है बी। अगर ए और सी के बीच में बोला होता तो इधर ए लिखता, उस साइड क्या लिखता? सी। याद रखना ये बात। तो अब इसको थोड़ा सा, लेकिन इसमें तो सिर्फ रेजिस्टेंस तो पूछा ही नहीं था, क्या पूछा था साथ में? करंट। रेजिस्टेंस में पी वाले में, कौन से वाले में सर? पी वाले में सर, यानी इस वाले में, राइट। तो कोई बात नहीं सर, हमने कहा ध्यान से देखो, करंट पूछा है ना, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालने का मतलब है ए और बी को ही बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो ए का एक सिरा और बी का दूसरा सिरा, ये होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा सर्किट बनता है। मैं दोबारा बनाता हूँ, ये आर है, ये आर बाय टू है, तो नीचे क्या है सर? आर है, और ये दोनों आपस में किससे कनेक्ट है? बैटरी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वी वोल्ट। अब मेरे को पूछा है इस वाले आर में करंट, यही इस वाले आर में, यही पूछा है ना? यस सर। कैसे निकालोगे सर? ऊपर वाले मतलब आर रेजिस्टेंस, येलो वाले रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, येलो वाले रेजिस्टेंस में करंट निकाल दूं या ऊपर वाली पूरी ब्रांच में करंट निकाल दूं, क्या दोनों वैल्यू सेम आएगी या अलग आएगी? सेम आएगी। क्यों आएगी सेम? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में है, सीरीज में, और सीरीज में क्या सेम रहता है सर? करंट। आर पूरी ब्रांच में वही करंट आएगा जो आर में आ रहा होगा, और जो किसमें आ रहा होगा? आर बाई टू में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सीधा ऊपर वाली ब्रांच को एक ही रेजिस्टेंस से जोड़ देते है ना, ऊपर वाला सीधा ही नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? R प्लस आर बाई टू कितना हो जाएगा? 3R/2। और नीचे क्या है बच्चे? R। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? बैटरी। अच्छा एक बार बताओ, टोटल रेजिस्टेंस अगर 3R/5 है तो टोटल करंट कितना होगा जो बैटरी के थ्रू आ रहा हो, I टोटल? कोई बता सकता है क्या लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? I इज इक्वल टू V की वैल्यू तो कितनी है? R की जगह क्या लिख सकता हूँ? टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3R। वो 5 डिवाइड भी डिवाइड के डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो I टोटल की वैल्यू क्या आई? 5V/3R। टोटल करंट मेरे पास क्या आया है? I टोटल 5V/3R। क्या ये बात ठीक है क्या? Yes, तो सबसे पहले क्या करा, R इक्विवेलेंट और I टोटल निकाल, क्लियर है सबको? Yes, अभी एक ही बार लग रहा है मुश्किल, अभी सही हो जाएगा सर। तो मतलब यहाँ से जो बैटरी करंट दे रही होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? I टोटल। अब मेरे को तो ऊपर वाली ब्रांच में निकालना है ना, ऊपर वाली ब्रांच में, तो ऊपर वाली ब्रांच में मान लो करंट आ रहा है I1, नीचे वाली में क्या आ रहा है? I2। और मैंने इसका अब शॉर्टकट बताया हुआ तुम्हें कैपेसिटेंस में, तो तुम्हें याद हो चार्ज का, याद है जब चार्ज डिवाइड होता था सीरीज में, पैरेलल में, सॉरी देखो सीरीज, अब ये दोनों पैरेलल में है तो क्या डिवाइड हो रहा होगा, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस? दिख भी रहा है तुम्हें क्या डिवाइड हो रहा है? करंट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है। तो अगर मेरे को आई वन की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा ऊपर? 1/R1। और लिखूंगा 1/R1 प्लस 1/R2 मल्टीप्लाई बाय में आई टोटल। याद है क्या ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था? यस सर।
देख लो एक बार दोबारा, अभी मैं बताया भी था ये कैसे याद करना है, क्योंकि ये पैरेलल में है और पैरेलल में रेजिस्टेंस किस फॉर्म में होते हैं, डायरेक्ट ऐड होते हैं या वन अपॉन करके ऐड होते हैं? लिखा है ऊपर आर वन नहीं लिखूंगा, ऊपर क्या लिखूंगा, वन अपॉन आर वन, नीचे क्या लिखूंगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय में आई टोटल। क्लियर है क्या सबको? मैं लास्ट में इसको समराइज करूंगा कैसे क्या, लेकिन अभी सारा एक एक स्टेप बता रहा हूँ, तभी थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है सबको? अगर दो ही रेजिस्टेंस हो तो हम इसको और भी शॉर्टकट में कर सकते हैं, सीधा ही लिख सकते हो तुम। आई वन है तो ऊपर क्या लिख दो, सीधा ही आर टू लिख दो और नीचे आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई बाय में आई टोटल। ये दोनों सेम बात है, लेकिन ये सेकंड वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? सिर्फ टू रेजिस्टेंस। अगर तुम पूरे को सोल्व करोगे ना बच्चे, वन अपॉन आर वन इनका एलसीएम लेके, तो यही वैल्यू निकलेगी, लेकिन ये वैल्यू तभी निकल रही है जब सिर्फ कितने रेजिस्टेंस है, टू रेजिस्टेंस। अगर तीन रेजिस्टेंस होंगे तो तुम्हें यही लंबे वाला मेथड लगाना पड़ेगा, दिख रहा है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू वाला। यस सर। क्लियर है सबको? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा सुन लो, अगर दो रेजिस्टेंस है तो तुम्हें लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। आई वन निकालना है तो ऊपर क्या रख दो, सीधा आर टू और नीचे आर वन प्लस आर टू और आई टोटल। अब इसको लगा के देखते हैं थोड़ा सा। तो मुझे एक बात बताओ, आई वन निकालना है मेरे को ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में आई वन निकालना है, फॉर्मूला यही लिख लेगा, मैं इसको दोबारा भी लिखवाऊंगा अभी, तो इसलिए इसको मिटा देते हैं अभी। तो ऊपर क्या लिख रहा है सर, आई वन निकालना है तो ऊपर क्या आना चाहिए, दो ही रेजिस्टेंस है ना, ऊपर क्या लिखूं, आर आर आर, वेरी गुड, आर टू यहाँ आर है और नीचे क्या लिखूं, आर प्लस थ्री आर बाय टू और मल्टीप्लाई बाय में आई टू, आई कितना है, फाइव बी अपॉन थ्री आर, ऊपर तो आ जाएगा सर आर, नीचे क्या आ जाएगा सर, फाइव आर बाय टू, थ्री आर बाय टू प्लस आर फाइव आर बाय टू होगा ना, और मल्टीप्लाई फाइव वी अपॉन आर, तो फाइव से फाइव कट गया, आर से आर कट गया, तो आंसर क्या आ गया, ये टू ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, थ्री भी आएगा नीचे, थ्री आर है, टू भी ओवर, अच्छा थ्री भी आएगा, फाइव ओवर थ्री आएगा सर, हाँ ठीक है, टू भी ओवर क्या आ जाएगा आंसर, थ्री आर। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से, अगर यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस होते तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होता, ये वाला? नो सर, सर लंबे तरीके से करना पड़ता है। क्या लिखते आई वन इज इक्वल टू, तो क्या लिखते आई वन इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड, वन अपॉन आर वैलिड बाय वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो इस क्वेश्चन में पहले तो मुझे ये बताओ, किसी को डाउट है, हम इसको समराइज कर देते हैं ताकि किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो वो भी ना बचे। आओ इसको समराइज करते हैं, क्या समराइज करना है इसमें, इसके बाद वाले क्वेश्चन ज्यादातर होमवर्क है लेकिन सबके हिंट दूंगा। आओ क्वेश्चन को समराइज कैसे किया सर, सर समराइज ऐसे किया कि हमने क्या किया, पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, और टोटल क्या निकाल दिया, करंट निकाल दिया, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकाल दिया। सर अब अगर आई वन निकालना है, अगर दो ही रेजिस्टेंस है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, आई वन निकालना हो तो ऊपर क्या रखना है, वन ओवर आर वन डिवाइडेड बाय वन ओवर आर वन आर थ्री मल्टीप्लाई बाय में आई टोटल। लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस है तो तुम सीधा कर सकते हो, I1 is equal to ऊपर क्या लिख दोगे, R2 divided by R1 plus R2 divided by I total total। अब ध्यान से देख, तो मैंने I total निकाल दिया सबसे पहले, वही कर दिया सर, अब R2 और R1 plus R2 लगा दिया, यही तो किया, दो ही काम किए हैं, सबसे पहले क्या निकाला सर, आर टोटल और टोटल आई टोटल, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ मेरे को बताने में इतना टाइम लग गया इसीलिए, वरना तो दो ही स्टेप का क्वेश्चन था, यही था ना क्या,
देखो इन्होंने भी दो ही स्टेप में किया हुआ है, करंट निकाल दिया, आई टो आर टोटल इन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया, तो बस उसके बाद ये फॉर्मूला यूज, और कुछ भी किया है क्या? नहीं किया ना, तो यही याद रहे। अब ये कैसे याद रखे सर, ये सीरीज में लगेगा पैरेलल में लगेगा, बहुत आसान काम है। करंट किस में डिवाइड होता है, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में, एक ही वे होती है करंट को फॉलो होने के लिए, और पैरेलल में दो वे होते हैं। हाँ, तो आई वन वाला फॉर्मूला यानी करंट वाला फॉर्मूला हमेशा किसके लिए यूज होगा? पैरेलल के लिए, पैरेलल क्योंकि पैरेलल है, इसलिए तो 1 अपॉन आर वन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर वन प्लस 1 इनटू में आई टोटल। तो अगर सीरीज वाला फॉर्मूला लिखा होगा उसमें आर की जगह क्या, आई की जगह क्या आएगा सर? वी, वी की बात करेंगे, और सीरीज में क्या ऊपर नीचे रेसिप्रोकल करके ऐड होते हैं या सीधा ही ऐड हो जाते हैं? सीधा ही ऐड हो जाते हैं। सीधा V1 निकालना तो ऊपर सीधा ही क्या लिख दूं? R1 plus R1 divided by R1 plus R2 multiplied by में क्या टोटल? I टोटल नहीं, V टोटल। V टोटल सर, V टोटल। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चे, सबको यूज कर सकते हैं हम कैसे भी करके। इन दोनों में किसी को डाउट है, रीजन भी बता दिया मैंने कि आई वाला फॉर्मूला किसके लिए होगा? पैरेलल के लिए होगा। वी वाला फॉर्मूला किसके लिए होगा? सीरीज के लिए। सीरीज के लिए होगा, और आई वाले में वन अपॉन आर वन लगेगा क्योंकि वो पैरेलल के लिए है, सीरीज वाले में तो सीधा ही होता है तो ऊपर सीधा ही लिख दिया आर वन। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज चले आगे। यस सर। यस, ये क्वेश्चन तो हो ही गया हमारा। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, याद है क्या इनफिनिटी वाला क्वेश्चन किया था हमने कैपेसिटेंस में, याद है? सारे कैपेसिटेंस लगे हुए थे। फिर भी मैं हिंट जरूर दूंगा, अभी आगे ये तीन होमवर्क में है, पर मैं हिंट सबके देके जाऊंगा। कैसे सर बताओ, इसमें क्या लगेगा सर, कैसे करते थे, इसका अप्रोच क्या होती थी, बताएगा कोई मेरे को? प्रैक्टिस की हो तो किसी ने? हाँ हैरी बताओ सर। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हाँ, मैंने बताया था इसमें क्या 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 लाइन बोली थी मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कंटीन्यूअस समुद्र में से पानी की दो बूंदे हटा दो या डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीच में से हटा दिया तो इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पार्ट को तो रख दिया अलग, बाकी सबका क्या निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू मान लो क्या आ गई, कुछ भी मान लो क्या आ गई, मान लो एक्स आ गई, तो इन दोनों की तो वैल्यू गिवन है कितनी, आर और आर। अब वापिस से इनको कनेक्ट कर दिया तो अब भी आंसर क्या आना चाहिए सर? सेम। कितना यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए भाई, जब हटा दिया था तो कितना आंसर आ रहा था सर? एक्स। तो अभी भी कितना आएगा? एक्स। एक्स। तो अभी इसको कर दो, ये दोनों तो आपस में कैसे हो गए? पैरेलल में। तो इनका आंसर तो क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, ऐड ये और ये, फिर आपस में किस कैसे हो जाएंगे सर? सीरीज में। आर सीरीज में, आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स आपस में कैसे हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, आर प्लस में आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, और इन सबको ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए? एक्स, एक्स आर एक्स, सिर्फ एक्स, सिर्फ एक्स, क्योंकि डालने के बाद भी क्या आ रहा है एक्स, और दो को हटा दिया तब भी एक्स आ रहा है, वापिस लगा दिया तब भी क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक्स के ही इक्वल रख दिया। अब इसमें क्या इक्वेशन बनेगी किसकी फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी किसकी फॉर्म में? एक्स की फॉर्म में, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या? याद है क्या सबको? ऐसे निकाला था? याद है सबको? यस सर। तो अब निकाल लेंगे, ये होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, हिंट दे दिया मैंने पूरा। यस सर। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, ये वाला दिख रहा है? यस सर। इसमें भी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखो हर टाइम k से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, दिख रहा है? k स्क्वायर क्यूब हो गया। तुम कुछ नहीं करना, तुमने वही काट देना है इस हिस्से को, और उस हिस्से का क्या निकाल देना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम x लिखते थे ना, r e मान लो, वही x लिख दो,
आर ई यानी एक्स के साथ साथ कुछ किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे उसको क्या बोल दोगे? के। क्लियर है? तो पहले रेजिस्टेंस अभी भी आर ई है तो बाद में भी क्या रहेगा? आर ई रहेगा। अभी भी इनको वैसे ही ऐड करोगे, इन दोनों को पैरेलल करोगे, फिर वो पैरेलल इसके साथ कैसे हो जाएगा बच्चे? सीरीज में। और आंसर फिर भी क्या आना चाहिए? आर ई। बस ये याद रखना यहाँ पर क्या आएगा? के आर। क्लियर है? के आर। यस। किसी को कोई डाउट? नो सर। ट्राई करना, होमवर्क टू है ये। हिंट दे दिया है मैंने अभी भी, फिर भी हिंट भी समझना है तो सॉल्यूशन भी मेंशनड है, दिख रहा है? देखो लास्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या लिखा? आर ई लिखा है ना भाई? आर। वो पैरेलल में हो गए, उसके साथ ये वाला डायरेक्ट ऐड हो गया। चलें आगे। यस सर। वो होमवर्क ये हो गए, तीसरा होमवर्क ये बच्चे, ये क्वेश्चन, ये वैसे क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ साथ दे रखे हैं मैंने, पर तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। मैं बना देता हूँ इसका डायग्राम, ऐसे है। दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सबकी वैल्यू कितनी है? आर। अब इसके इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं जैसे क्वेश्चन में करिए वैसे ही, ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना है, उल्टा भी कर सकते हो। तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, तो मान लो वो करंट है बच्चे आई, कितना है आई। बैटरी से अगर आई करंट गया है तो वापिस भी कितना आएगा? आई। तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इधर से जाऊं चाहे इधर से जाऊं, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो पहले मेरे को ऐसे इधर और इधर क्या मिलेगा रेजिस्टेंस? आर। आर और आर, आर ही ऊपर आर ही नीचे, ऐसे ही दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला। यस। और उस ऐसे ही अगर मैं इस साइड से जाता तब भी क्या दिखता? सेम नहीं दिखता? आर इधर और थोड़ा सा आगे जाता तो रेड वाला रेजिस्टेंस दिखता। अगर इधर से जाऊंगा तो इधर से भी कौन सा रेजिस्टेंस दिखेगा? रेड वाला। इसका मतलब सर ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेम है किसकी तरह? राइट वाले की। राइट वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। इसी को मिरर सिमेट्री बोलेंगे, मिरर सिमेट्रिकल सर्किट है ये। इसका फायदा क्या होगा ध्यान से सुनना सर, अगर यहाँ से आई करंट गया और यहाँ से चला गया आई वन, तो नीचे से भी कितना जाएगा सर? आई वन। क्यों बताओ? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है। अगर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ से कितना जाएगा? आई वन ही जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा? देखो ऊपर भी आर था, नीचे भी कितना है? इसलिए। और यहाँ कितना चला जाएगा? अब यहाँ पर सिर्फ आर नहीं है, इसके साथ और रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, ठीक है? तो अब यहाँ पर कितना जाएगा भाई? टोटल करंट आई था, इधर कितना चला गया ऊपर? आई वन। यहाँ से आई निकला, ऊपर चला गया आई वन, नीचे भी चला गया आई वन, तो आई में से कितना माइनस कर दूं? आई माइनस आई वन। सिर्फ आई वन, एक आई वन। क्लियर है क्या सबको? तो इस ब्रांच में कितना जाएगा बच्चे? आई माइनस 2i1। तो भाई अगर टोटल i गया तो निकलेगा भी कितना? i। तो मतलब यहाँ से वापिस आ जाएगा i1 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा? i1। और यहाँ से कितना आ रहा था? 2i1। i माइनस 2i1। तो देखो ऊपर से आ गया, नीचे से आ गया, बीच में से आ गया, तो इसका मतलब सारा करंट यहीं से ऐसे जाते हुए ऐसे चला गया, और एक ऐसे जाते हुए ऐसे चला गया, और एक ऐसे जाते हुए ऐसे चला गया, ऐसा ही हुआ ना? यस सर। कौन से सर्किट में से करंट नहीं गया सर? ध्यान से देख के बोलो सर। बीच वाले। बिल्कुल बीच में से कोई करंट गया क्या? बताओ मुझे। नो सर।
तो जिसमें से करंट नहीं गया उस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, खत्म हमारे लिए, तो मैं इस वाले रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकता हूँ क्या? यस सर। इसीलिए इन्होंने इन दोनों को नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये वाला आर, 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 ये वाला ने आर को क्या कर दिया इन्होंने, नेगलेक्ट, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा। तो अगर अब करंट नहीं जा रहा तो देखो ऊपर वाले दो किसमें आ गए, आपस में सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, अगले दो भी किसमें आ गए, सीरीज में, सीरीज में, और अगले दो भी किसमें आ गए, अगले भी सीरीज में, तो ये तीनों आपस में किसमें आ गए, सीरीज में, यानी आर और आर हो गया 2R, ये हो गया 2R, और नीचे वाला भी कितना आ जाएगा, 2R, तो 2R 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 इनका पैरेलल जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2R / 3। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? मतलब ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है इस वाले पार्ट के, चाहे तुम करंट इधर से भेजो चाहे तुम करंट इधर से भेजो, लगभग क्या सब कुछ क्या रहेगा उनमें, दोनों तो अगर मिरर सिमिट्री तुम्हें मिले तो बीच वाले दोनों रेजिस्टेंस को गायब कर दिया करो, जैसे वीट स्टोन में करते हो ना थोड़ा थोड़ा वैसे ही, लेकिन यहाँ पर ये वाले रेजिस्टेंस रहेंगे, दिख रहे हैं ये वाले, यस सर, यस सर, वीट स्टोन में ये वाले रेजिस्टेंस नहीं होते, उसमें सिर्फ ये दो होते हैं और ये दो होते हैं, ये वाले नहीं होते ना, नो सर, लेकिन मिरर सिमिट्री में ये वाले भी होंगे और ये वाले भी होंगे, कौन से कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वाले, बीच वाले, समझ में आ रहा है टीना क्या कह रहे हो, बोलो पूछो पूछो, क्लियर है, यस सर, यस सर। किसी को कोई भी डाउट है, मैंने दो होमवर्क दिए, ये तो हमारा हो ही गया, अब दो होमवर्क दिए मैंने, एक तो ये वाला के वाला और एक ये नॉर्मल वाला, तो दोनों हो जाएंगे क्या, दोनों का हिंट दे दिया क्या मैंने, यस सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार मैं भूल भी जाता हूँ, एक तो ये वाला है और एक है ये वाला, दिख रहा है, यस सर, यस सर, बाकी हमने कर लिए, तो अभी तक हमने ये करें, कल आते ही नेक्स्ट क्लास में, मतलब आते ही सबसे पहले इनको डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और एक सर्किट में अगर दो से तीन बैटरियां भी लगा दे, चार बैटरियां लगा दे, पांच बैटरियां लगा दे, तब कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, करंट कैसे निकालेंगे बिना क्रिचॉफ की मदद के, बिना क्रिचॉफ लॉ की मदद के, अभी तक तो हमने क्वेश्चन स्कूल में भी पढ़ा हुआ क्रिचॉफ लॉ से, यस सर, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कम से कम यूज करें, किन्हीं 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 क्वेश्चंस में तो रिक्वायरमेंट होगी उनकी, मतलब कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस हम ऐसे करने जाएंगे जिनमें क्रिचॉफ का यूज ना हो, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिचॉफ लगाते टाइम, तो वो तभी समझ में आएंगे जब ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो जितना हो सके, जो होमवर्क दिए वो भी करो, और जो आज करे है ना उन्हीं को एक बार और रिवाइज करके आना कर नेक्स्ट क्लास में, समझ में आ रहा है सबको, रिवीजन करके आएंगे, बिना रिवीजन कोई नहीं आएगा, जिस जिसको ये बात समझ में आ गई है थम्स अप करो, रिवीजन करके आनी है, ठीक है, आचल, रोहन, निशु, और किसी को समझ नहीं आ रही, ऋषिका, काव्यांजलि, रमन, हैरी, साक्षी, याद है नाम, विशाल, जितेंद्र, ईशा, करिश्मा, टीना, ठीक है, पायल, अवन्या, शिवानी, ठीक है बच्चे, आर्यन, ओके बन्ना, ओके हिमांशी, चलो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे, हाँ साक्षी और माही, आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट, चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट बच्चे, आज किसी को कोई डाउट है तो वो रुक, हाँ पायल।